थैंक यू सो मच सर। रमनी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे, और आपका रिसर्च आर्टिकल भी हमें सुनना है अगर आपने कुछ कन्वर्ट कर लिया है तो। थैंक्स अ लॉट। मैं आज आप लोगों का वो देख रही थी जो आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया था, प्लॉट एंड ईच एंड एवरीथिंग। और सच बताऊं तो मैं आई एम टोटली इनटू रिसर्च एनालिसिस, और मेरे यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे सो आई हैव मोर देन 800 वीडियोस एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी ओनली। स्टोरी टेलिंग जो है मेरे लिए बहुत ही इट्स अ न्यू एरिया, न्यू इन द सेंस दैट यस एज अ रिसर्च। जैसे अभी क्या नाम है उनका, शुभांकर जी और सुजय सर जो बता रहे थे कि यस वी शुड डिजिटल स्टोरी टेलिंग, तो मेरे को पता है कि यस अगर आपके पास है, जैसे कि मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं तो विजुलाइजेशंस हैं, तो उससे मैं एक स्टोरी क्रिएट कर सकती हूँ कि हाँ जी उस कंपनी का ऐसे हो रहा है एंड देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। लेकिन आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं और उनमें से कुछ को हटा के, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि यस 30 आर्टिकल्स को मैं हटा दूंगा और सिर्फ 50 के साथ ही मैं करूंगा, ये मेरे लिए कुछ नया है। इसमें स्टोरी कैसे रहेगी ये मैं देखना चाहती हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एज अ स्टूडेंट नाउ, नॉट एज अ टीचर, एंड आई वुड लव टू लर्न दैट वन, क्योंकि मेरे लिए स्टोरी टेलिंग टिल नाउ आई हैव बीन टेकिंग इट फ्रॉम द लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया था केस स्टडीज के लिए, दूसरा फोक टेल्स जो लिटरेचर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टोरी बुक्स लेके चले। लेकिन ये वाला पार्ट जो आपने अभी बताया मेरे को कि यस जब मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, गैप्स निकाल लिए मैंने, लेकिन एज अ स्टोरी फॉर्मेट कैसे लेके आओगे उसको, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। इफ यू कैन मेक अ वीडियो ऑन इट एंड पुट इट फॉर अस, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, एंड दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि मेरे को कुछ नया दिखे इस वाले फोरम पे एंड आई कैन लर्न। And definitely yes, as a student, मैं भी 14th, 15th जो updates बता रहे हो, तब तक तो मेरा आपका एक video मेरे पास आ जाए, तो क्योंकि meta analysis, synthetic analysis ये सब कुछ तो मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन story analytics मेरे लिए पहली बार होगा, okay, which is going to be very different kind of a thing from digital analysis या मैं जो करती हूँ, and I'm looking forward to learn more from you all. अदरवाइज यस बिब्लियोग्राफी बनाना, रिसर्च कैसे करते हैं, गैप कैसे करते हैं पेपर को पढ़ के, एज अ लॉन्ग टर्म जिसमें मैं 6 महीने लगाती हूँ या 1 साल, मैं अपने रिसर्च स्कॉलर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को भी बताती हूँ कि हाँ भाई थोड़ा टाइम करो ऑफ इट। लेकिन अगर आप मुझे कह रहे हो कि हाँ वीडियो में 150 मिनट में मेरा हो सकता है, नथिंग कैन be more than great, I mean wonderful for all of us. So I'm looking forward for it, और मैं भी सीखूंगी ये वाला technique फिर तो आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हम वो 150 मिनट में कैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने रिसर्च की शुरुआत की, जब मैंने अपना रिसर्च पेपर लिखना पहली बार शुरू किया, जब मुझे, क्योंकि रिसर्च पेपर में लिटरेचर रिव्यू जो है या रिसर्च थेसिस में लिटरेचर रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जब मैं आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करूँ, जैसे मैं इनिशियल रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है उस रिसर्च आर्टिकल को इनिशियल फेज पे समझना। तो जो रिसर्च की जो स्टोरी है वो हमारे काम को बहुत आसान कर देगी और सिंपल कर देगी, इस फॉर्मेट में कि वो हम एक बार सुन पाएंगे, उसको विजुलाइज कर पाएंगे, और उसके बाद जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए सुजय सर ने एक आर्टिकल लिखा है, वो हॉस्पिटैलिटी पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर मुझे उनका वीडियो अवेलेबल है सेम आर्टिकल का जो 3 मिनट का है, उस वीडियो को मैं एक बार देख लूँ और उसके बाद उनका आर्टिकल पढ़ूँ, तो उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाऊंगा, एक इमेजिनेशन मेरे साथ रहेगा, और साथ में बहुत चीज क्लियर होगी कि मुझे कैसे उसको लेके जाना है। तो ये जैसे जैसे हम लोग ये समिट को आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे रिसर्च आर्टिकल्स को स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे, ये फॉर्मेट उतना ही सिंपल और आसान होता जाएगा, और लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, खास करके अपकमिंग रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। राइट, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग एक और वर्ड जो एकेडमिक राइटिंग में आता है जिसे हम लोग कहते हैं अर्न नोटेशन। जैसे कि मैंने किताब पढ़ा और उस किताब में, जैसे आप रिसर्च के लिए बोल रहे हो, किताब मैंने पढ़ा एंड दिस इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट व्हिच आई एम विलिंग टू टेक ओवर, और क्यों नहीं मैं आप ही लोगों से शुरू करती हूँ। मैं अब मान के चलिए, अब मैं आ रही हूँ टूरिज्म सेक्टर से, मैंने किताब उठाई और मैंने उसको पढ़ लिया,
ओके उसको मैंने एक छोटे से मतलब ये कब लिखा गया, कौन उसका राइटर है, उसका एक छोटा सा बता दिया कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उसने टेक्निक कौन सी लगाई, उसमें उसमें टूल कौन सा लिखा, इसका गैप क्या है, इसके अंदर फ्यूचर स्कोप क्या है, बस उसको मैंने उतने 6-7 पॉइंटों में दे के मैंने खत्म कर दिया उसको। हम लोग इंग्लिश में एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं अनोटेशन। अगर आप अनोटेटेड स्टोरीज को लेके आ रहे हो, नथिंग लाइक इट, आई एम गोइंग टू कंग्रेचुलेट यू।